जिया शंकर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर में आती है एक ब्यूटीफुल सी नारी जो कि पढ़ रही है अभी क्या सपने भारी। जिया शंकर की अगर बात करें दोस्तों तो इनको लेकर मोदी जी की एक जो लाइन है बड़ी फेमस है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो पता नहीं क्यों याद आ जाती है। कुछ पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, फिर उसके बाद आप अपने पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में, राहुल भोज है मेरा नाम। बिग बॉस की चटपटी बातें बताना है मेरा काम। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे नए दूसरे चैनल राहुल भोज कॉमेडी को अभी तक नहीं देखा है आपने तो क्या करें, बस कमेंट सेक्शन में जाएं, मैंने वहां पे चैनल लिंक पिंक कर दिया है तो जरूर मिलिए मुझसे, वहां पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दोस्तों यहां पर जिया शंकर जी की हिपोक्रेसी कुछ ऐसी बढ़ जाती है कि मैं देखते ही हैरान, मैं सोचूं कि यार ये बंदी क्या है। देखो भाई मैं कुछ इंसिडेंट्स बताता हूं आपको जो कि इस बात को बहुत ज्यादा प्रूफ करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी कल ही का इंसिडेंट बताता हूं। यहां पर इतना कुछ हो गया था, बेबिका को नितंब दिखा दिए हमारे जद भाई साहब ने, ठीक है, और यहां पर जो है उन्होंने अपने ऐस दिखाकर जो है सारी चीजें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दी, बट जिया ने यहां पे चू तक नहीं किया, चू लिटरली चू तक नहीं किया जिया ने। यहां पर जिया की अगर बात करें दोस्तों तो जिया मैडम जो है भाई साहब को जो है काम डाउन करती, काम डाउन, कोई भी सिचुएशन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। एंड आई वाज लाइक मैन डूड सीरियसली, इतना सब कुछ हो गया है, एक औरत को इस तरीके से ट्रीट किया है, और बीइंग अ औरत अगर आपको मतलब सपोर्ट करना चाहिए टेक्निकली उस औरत को, भले ही वो कैसी भी है, मैं यहाँ पे बेबिका की बात कर रहा हूं, बट स्टिल यू आर सो मच इन लव, और कह सकते हैं सो मच इन यू नो मेसमराइजिंग ऑफ दिस जद कि आप जो है उसको कुछ बोल ही नहीं पाए। चलिए तो जिया की बात है, अभिषेक की चुगली बैक टू बैक करना, अभिषेक के ग्रुप में होते हुए पूजा भट्ट की तरफ तुरंत वो मुड़ गई, अगर आपने देखा होगा तो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बताती है कि भाई आप जो हैं वो चीजें अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर सकते, आप घुमा फिरा के बहुत चीजें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं करते, और प्लस कन्वीनियंस देखते हैं आप अपना, बहुत आसानी से कन्वीनियंस देखते हैं कि कौन कहां किस तरफ मुड़ रहा है तो उसे उस तरफ ही भेजना है। चलिए ये तो अब कुछ नहीं, आगे बात करते हैं और जिया शंकर की बात करते हैं पलक पुरस्वानी के साथ। पलक के साथ 6 महीने की दुश्मनी, उसके बाद तुरंत आते ही यहां पर पलक को उन्होंने दोस्त बना लिया, क्यों, क्योंकि अविनाश और नन अदर देन पलक के साथ उनका नहीं जमा। इनके ग्रुप से अलग होने के बाद पलक के साथ दोस्ती हुई, खीकी खाका हुई, फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो जैसे वो गई भाई मैडम ने तुरंत गेम पलट के हुए तो सॉरी ये वो ऐसा बोलते हुए यहां पे चीजें कर डाली। तो भाई यहां पर एक स्टैंड नहीं नजर आ रहा उनका, और जिया बच गई इस हफ्ते, लेकिन अगर वो ऐसी खेल खेलती रही तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दिन आगे तक सर्वाइव कर पाएंगी। आपको क्या लगता है, ये जो लाइन है मोदी जी की, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, इस पे आपको क्या है कहना, क्या यहां पे जिया के लिए है ये लाइन? चलता हूं, जरूर बताएं और नए चैनल में मुलाकात जरूर करें।